नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 का जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, जो कि पिछले 30 मई को सुबह 11 बजे सोनीलिव ऐप पे संपन्न हुआ, जिसमें लगभग अगर 30% प्रतिभागी की बात करें तो उनका ऑनलाइन ऑडिशन जो है डिसकनेक्ट हो गया था। या तो उनके मोबाइल पे ओटीपी प्राप्त ही नहीं हुआ था, या फिर उनके सोनीलिव ऐप पे सवाल ही नहीं दिखाया गया, या फिर उनका रिकॉर्डिंग का जो बटन होता है वही स्टार्ट नहीं हुआ था। और इसी को लेकर 30% प्रतिभागी जो है अपना ऑनलाइन ऑडिशन से वंचित रह गए थे। उस दिन भी हम प्रतिभागी को बताए थे, काफ़ी सारे प्रतिभागी की तरफ से मेल आया था कि अब हमें क्या करना है, जिसमें हम आपको बताए थे कि आप kbcresponse@setindia.com पे अपनी परेशानी, जो भी आपके साथ समस्या हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी चीज़ों को कमेंट वहाँ पे पोस्ट कीजिए। उसके साथ ही साथ सोनी के ट्विटर हैंडल पे भी जाकर अपनी समस्या को ज़रूर आप शेयर कीजिए। उसमें कुछ प्रतिभागी अपनी समस्या को शेयर किए थे, उनके पास केबीसी टीम की तरफ से रिप्लाई किया भी गया है। अब उसमें एक ही वो अपना लॉजिक लगा रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि आप हमें बताइए, प्रतिभागी को ये पूछ रहे हैं कि आप हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए, ताकि वो चेक करेंगे कि कौन से मॉडल से आप ऑडिशन दिए हुए थे, क्या गड़बड़ी हुई थी। लेकिन इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। अभी केबीसी टीम साफ साफ ये नहीं कहा है कि उस प्रतिभागी को क्या दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, देखिए मेरे लॉजिक हिसाब से या फिर केबीसी के पिछले अगर सीजन की बात करें तो उस प्रतिभागी को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन वाले प्रतिभागी हैं और आपका जो ऑडिशन था वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दोबारा मौका देने का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है कि सिर्फ आप ऑनलाइन ऑडिशन में पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, बीच बीच का एक रास्ता जरूर निकलता है कि अगर केबीसी टीम चाहे तो दोबारा री रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन हम पहले भी आपको बताते आ रहे हैं कि री रजिस्ट्रेशन होने का 70% चांस है कि हो सकता है पिछले साल जिस तरीके से री रजिस्ट्रेशन कराया गया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सोनीलिव उपभोक्ता के लिए था। हो सकता है इस साल भी री रजिस्ट्रेशन लेकर आए, लेकिन अभी इसका कन्फर्मेशन हुआ नहीं है। केबीसी ऑफिशियली तरीके से अभी कोई इन्फॉर्म नहीं किया है कि री रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। हम लोग सिर्फ एक चांस के आधार पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से सोनी के ट्विटर हैंडल पर प्रतिक्रिया वहाँ पर जा रहा है या फिर उसके ईमेल आईडी पे प्रतिभागी अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, उस अंदाज पर आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल 70% चांस है कि री रजिस्ट्रेशन हो जाए। लेकिन एक आज ही जो है एक सबसे बड़ा अपडेट आ गया है, जो कि सुबह सुबह हम आपको बताए हैं कि केबीसी की तरफ से अब ये भी इन्फॉर्म कर गया है, दिया गया है कि अगस्त में अब इसका जो एपिसोड है उसको टेलीकास्ट कर दे जा रहा है। यानी कि अगस्त माह से ही आप सोनी टीवी चैनल पे कौन बनेगा करोड़पति का प्रसारण भी आप देख पाएंगे। अब इस सूचना को लेकर काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो यहाँ पे घबरा गए हैं, जो या तो 30 मई वाले में अपना ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे, उनको भी कहीं ना कहीं यकीन हो गया कि हो सकता है अब दोबारा मौका नहीं मिले, या फिर जो प्रतिभागी अपना जिसके पास IVR कॉल नहीं आया हुआ था, या फिर किसी न किसी कारण से इस सीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी एक यहाँ पे मन बनाकर बैठे हुए थे कि चलिए दोबारा रजिस्ट्रेशन अगर आरंभ होता है तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। अब वो भी कहीं ना कहीं सोच रहा है कि हो सकता है ये री रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि जब डेट ही बता दिया गया है कि अगस्त से शो स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि टेलीकास्ट होना आरंभ हो जाएगा, तो री रजिस्ट्रेशन का चांस ही नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी री रजिस्ट्रेशन के बारे में इस तरीके से सोचना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अभी आप एक सप्ताह तक आराम से इंतज़ार कीजिए, एक सप्ताह के अंदर हो सकता है री रजिस्ट्रेशन की बातें सामने आ जाए, लेकिन कन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं है कि हो ही जाएगा। ये एक संभावना के आधार पे हम लोग बता रहे हैं, तो बिल्कुल आप इंतज़ार कीजिए। अभी यहाँ पे अपना इंतज़ार छोड़िए नहीं कि री रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। हो भी सकता है एक सप्ताह के अंदर जो है इस पे ज़रूर कोई ना कोई प्रतिक्रिया केबीसी टीम की तरफ से लीगल रूप से यहाँ पे दे दिया जाएगा कि अगर री रजिस्ट्रेशन होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कब से इसका री रजिस्ट्रेशन होने वाला है। और अगर री रजिस्ट्रेशन होगा तो इसमें एक ही शर्त होगा कि जिनका ऑनलाइन ऑडिशन डिसकनेक्ट हुआ था उनको फिर से री रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना होगा, या फिर एक्स्ट्रा कोई भी प्रतिभागी जो इस साल पार्टिसिपेट किए थे या फिर नहीं किए थे, वो सारे प्रतिभागी फिर से जो है रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फिर से आपके पास IVR कॉल आता है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन एक शर्त यही होगा कि सोनीलिव ऐप के उपभोक्ता के लिए ये
जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो कराया जाएगा। यही कारण जो है पिछले बार भी यही हुआ था कि दोबारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ जो सोनी लिप ऐप के यूजर्स है वही रजिस्ट्रेशन किए हुए थे। अब कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोनी लिप यूजर्स का मतलब क्या होता है, क्या जो लोग सोनी लिप पे रजिस्ट्रेशन यानी कि सब्सक्रिप्शन लेंगे वो लोग डालेंगे, या फिर विदाउट सब्सक्रिप्शन जो है री रजिस्ट्रेशन में लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कल के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम वही बताने वाले थे कि कुछ प्रतिभागी ऐसे हैं जिनके तरफ से पूछा जा रहा है कि मेरा 30 मई को ऑनलाइन ऑडिशन में अधूरा रह गया था, क्या हमें दोबारा ऑडिशन का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल दोबारा ऑडिशन का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन री रजिस्ट्रेशन का चांस है, आप इंतजार कीजिए। अगर री रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें आप बिंदास पार्टिसिपेट कर सकते हैं।